जिसमें हम लोग जान पाए रेडियो एक्टिविटी है क्या। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव तत्वों की प्रकृति। इसके पूर्व वीडियो में हम लोग जान पाए थे डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिवता की खोज कैसी हुई थी, किन वैज्ञानिकों ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। दरअसल फ्रेंच के वैज्ञानिक हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की। अब इनका कहना क्या था, इनका कहना था कि जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो अपने नाभिक से एल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि अपने नाभिक से एल्फा बीटा गामा किरण का क्यों उत्सर्जन करते हैं। ये अपने नाभिक से एल्फा बीटा गामा किरण का इसलिए उत्सर्जन करते हैं क्योंकि ये हमेशा इनका नाभिक अस्थायी होता है और इनके नाभिक अस्थायी होने के लिए नाभिक से अल्फा बीटा और गामा किरण का उत्सर्जन करते हैं। जैसे कोई परमाणु अस्थायी होता है तो अस्थायी होने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक्सेप्ट करता है, साझा करता है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार परमाणु भी होते हैं, उनके नाभिक भी होते हैं। परमाणु क्रमांक 83 के ऊपर जितने भी रेडियो एक्टिव होते हैं उनके नाभिक अस्थायी होते हैं और वही अस्थायी नाभिक में कन्वर्ट होने के लिए अल्फा बीटा गामा किरण का उत्सर्जन करते हैं, राइट। आप एक छोटी सी कांच की प्याली लीजिए और इसमें रेडियो एक्टिव टुकड़े को रख दीजिए। जब आप रेडियो एक्टिव टुकड़े को रखेंगे तो देखा यह जाता है कि स्वतः रेडियो एक्टिव पदार्थ विघटित होगा और इसके नाभिक से अल्फा बीटा और गामा किरण का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। ये अल्फा रेस, ये बीटा रेस और ये गामा रेस। बात समझ में आ रही है। इसके ऊपर रखी हुई जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है वो धीरे धीरे काली पड़ने लगती है। ये बात समझ में आ रही है। क्यों काली पड़ने लगती, क्योंकि रेडियो एक्टिव किरणों का बहुत ही बुरा प्रभाव इस पर पड़ता है जिससे फोटोग्राफिक प्लेटें काली पड़ जाती हैं। दूसरी बात यह है कि विद्युत के क्षेत्र में अल्फा किरण ऋण प्लेट की ओर, बीटा किरण धन प्लेट की ओर, गामा किरण आवेश तथा द्रव्यमान हीन होने के कारण सीधे निकल जाती हैं, क्योंकि गामा किरण पर ना तो कोई आवेश होता है और ना ही कोई द्रव्यमान होता है, इसलिए सीधे निकल जाती हैं। अल्फा किरण छोटे 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 धनावेशित कण होते हैं, चूंकि एक के बाद एक निकलते हैं तो किरण हो जाता है। धनावेशित होने के कारण ये विद्युत के क्षेत्र में ऋण प्लेट की ओर मुड़ जाते हैं। वही बीटा कण ऋणावेशित होने के कारण विद्युत के क्षेत्र में धन प्लेट की ओर मुड़ जाता है। अल्फा किरण नाभिक से उत्सर्जित होने वाले हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। हीलियम परमाणु का सिंबल क्या होता है, प्रतीक क्या होता है, 2HE4, राइट। जब हीलियम परमाणु अपनी बाहरी कक्षा से दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं तो HE++ में कन्वर्ट हो जाता है और इसी को हम लोग कहते हैं अल्फा पार्टिकल। इसे इस सिंबल से दिखाते हैं या इस सिंबल से दिखाते हैं या 2HE4 से भी दिखाते हैं। अल्फा कण की द्रव्यमान संख्या 4 होती है, 2 इकाई धनावेश होता है। यही बीटा कण की बात करें, बीटा कण एक तरीके से नाभिक से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और बीटा कण में क्या अंतर होता है, इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षाओं में होते हैं, बीटा परमाणु के नाभिक से निकलते, बस यही अंतर है। बीटा कण का जो प्रतीक होता है बीटा होता है सिंबल, या -1 बीटा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। बीटा कण की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन की अप्रोक्सीमेटली में होता है, वेट भी होता है, राइट। अब इनके एक एक नेचर की बात करें, जैसे वेलासिटी, वेधन क्षमता, आयनीकारक क्षमता। अल्फा किरणों का वेग
प्रकाश के वेग की तुलना में कितना होता है? एल्फा किरणों का वेग होता है 1/10। प्रकाश के वेग का यदि आप कंपेरिजन करेंगे 3×10^10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है? जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आएगा 3×10^9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। यदि बीटा किरण की बात करें तो बीटा किरण का जो वेग होता है वेलोसिटी होता है 9/10 होता है। प्रकाश के वेग का यदि आप कंपेरिजन करेंगे तो कितना आएगा? प्रकाश के वेग यदि आप कंपेरिजन करेंगे 2.7×10^10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यदि गामा किरण की वेग की बात करेंगे तो जो गामा किरण का वेग होता है वो होता है 3×10^10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। ये है इनकी प्रकृति, ये है नेचर ऑफ रेडियोएक्टिविटी एलिमेंट्स। हम लोग किसके बारे में अध्ययन करें? नेचर ऑफ रेडियोएक्टिविटी एलिमेंट्स। तो इस प्रकार से इनके वेलोसिटी के बारे में जान पाए। सबसे अधिक वेलोसिटी किसकी है? गामा की। इससे कम बीटा की, इससे भी कम अल्फा की, राइट। अब यदि इनके वेधन क्षमता की बात करें तो अल्फा किरणों की जो वेधन क्षमता होती है ये लगभग 0.002 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम की मोटी परत को भेदती हैं। यदि इतनी मोटी परत हो एल्यूमिनियम की तो अल्फा किरण क्या करेंगे? उन्हें आसानी से भेद सकते हैं। बीटा किरणों की वेधन क्षमता की बात करें तो 0.2 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम की मोटी परत को भेद सकता है। गामा किरण की बात करें तो 100 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम की मोटी परत को भेद सकता है। बात समझ में आ रही है? अब ये वेधन क्षमता का मतलब क्या है? वेधन क्षमता का मतलब ये नहीं है कि कहीं पत्थर मारते हैं तो पत्थर इस पार से उस पार निकल जाएगा दीवार को तोड़कर, ऐसा नहीं है। वेधन क्षमता का मतलब ये है कि अगर ये 100 सेंटीमीटर मोटी दीवार है, यहाँ रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा हो और 100 सेंटीमीटर दीवार की उस पार फोटोग्राफिक प्लेट रखी हो तो वहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट पर इसका अच्छा खासा प्रभाव रहेगा, राइट। ये है इनकी वेधन क्षमता। अच्छा, अब इनके आयनिक कारक क्षमता की बात करें, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, इन्हें हम कंपेरिजन कर देते हैं, उन्हें आप समझ लीजिएगा। अल्फा किरणों में गैसों को आयनित करने की क्षमता बीटा से 100 गुना अधिक, गामा से 10,000 गुना अधिक। जरा समझिए, बीटा से 100 गुना अधिक, गामा से 10,000 गुना अधिक, यानी सबसे अधिक आयनीकारक क्षमता किसमें है? अल्फा में है। बीटा में गैसों को आयनित करने की क्षमता अल्फा से 100 गुना कम, गामा से 100 गुना अधिक। क्या हमने कहा? अल्फा 100 गुना कम, गामा 100 गुना अधिक। गामा किरण में गैसों को आयनित करने की बात करें तो गामा किरणों में जो गैसों को आयनित करने की क्षमता होती है बीटा से 100 गुना कम, अल्फा से 10,000 गुना कम, राइट। बीटा से 100 गुना कम, अल्फा से 10,000 गुना कम होता है। सबसे अधिक अल्फा में आयनित करने की क्षमता, सबसे कम गामा में। वेधन क्षमता सबसे अधिक गामा में, क्यों? वेलोसिटी सबसे अधिक किसकी है? गामा की है, राइट। तो यहाँ पे ये तीन पॉइंट क्लियर हो चुके, 1, 2, 3। चलिए अब चुंबकीय क्षेत्र के विचलन की बात करें। चुंबकीय क्षेत्र में यदि विचलन की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो अल्फा किरण होता है वो विद्युत के क्षेत्र में ऋण प्लेट की ओर नेगेटिव चार्ज की ओर, बीटा किरण पॉजिटिव चार्ज की ओर। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में किस ध्रुव की ओर अल्फा और बीटा किरण मुड़ते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में अल्फा किरण उत्तरी ध्रुव की ओर नॉर्थ, बीटा दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल की ओर। ये चार पॉइंट हो गए चुंबकीय क्षेत्र में विचलन, अल्फा उत्तरी, बीटा दक्षिणी, गामा सीधे निकल जाते हैं। अल्फा बीटा गामा किरण फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ती हैं तो उन्हें काली कर देती हैं। जिंक सल्फाइड बेरियम प्लेटिनो साइनाइड की सतह पर पड़ने से चमक उत्पन्न करती हैं। कभी कभी तो इनके कंपेरिजन से संबंधित कंपटीशन परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब जरा इनके बारे में समझ लेते हैं कि कंपेरिजन से संबंधित अल्फा बीटा और गामा किरण से किस प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। चलिए इनके कंपेरिजन से जरा समझते हैं।
जैसे अल्फा, बीटा और गामा। अगर भेदन क्षमता की बात करें, भेदन क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम लिखे तो कैसे लिखेंगे, अल्फा इज लेस देन बीटा इज लेस देन गामा। यहाँ पे कौन सा क्रम हो गया, भेदन क्षमता का बढ़ता क्रम, राइट, भेदन क्षमता का बढ़ता क्रम। और इसी प्रकार विवेक का बढ़ता भी क्रम लिख सकते हैं, अल्फा इज लेस देन बीटा इज लेस देन गामा। ये वेग का बढ़ता क्रम हो जाएगा, वेलासिटी वेग का बढ़ता हुआ क्रम, वेग का बढ़ता हुआ क्रम, ये आप लिख सकते हैं वेग का बढ़ता हुआ क्रम, राइट। और ये था वेधन और वेग का क्षमता हुआ बढ़ता क्रम। घटता हुआ क्रम कैसे समझेंगे, जैसे सपोज मान लीजिए अल्फा है, बीटा है और गामा है, इनके द्रव्यमान और आवेश का घटता हुआ क्रम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, अल्फा का अधिक है द्रव्यमान, बीटा का कम है, अब बीटा का अधिक है, गामा का कम है, ये कौन सा क्रम हो गया, द्रव्यमान का घटता क्रम, राइट, द्रव्यमान का घटता क्रम। इसी प्रकार आवेश का घटता क्रम भी लिखा जा सकता है, अल्फा बीटा और गामा, ये आवेश का घटता क्रम। आवेश का घटता क्रम का मतलब, आवेश का घटता क्रम का मतलब है सबसे अधिक आवेश अल्फा का होता है, इससे कम बीटा का, इससे भी कम गामा का, राइट। तो इस प्रकार कंपैरिजन से यदि आप प्रश्न पूछा जाएगा आप आसानी से हल कर सकते हो। और ये था रेडियो एक्टिविटी में नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स, इनके तत्वों की प्रकृति क्या है। अब हम लोग आगे जानेंगे ओरिजिन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव तत्वों की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, रेडियो एक्टिव का एक एक पॉइंट जानेंगे हम लोग। और जितने भी पॉइंट बताते जाते हैं आप कोशिश करिए कि वीडियो लेक्चर को देख कर ही आप एक बार समझने की कोशिश करिए, नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को रोक करके आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए। एक बार नहीं, यदि लेक्चर आप ध्यान सुनते हैं, एक बार यदि आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक बार में ही क्लियर हो जाएगा, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।